हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में कि इस नर्व को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है वह किन किन को सप्लाई करती है। ओके, तो देखिए, दिस इज द नर्व ऑफ लेग। ओके, तो ये सप्लाई करती है हमारे लेग को। और लेग में टोटल कितने कंपार्टमेंट होते हैं? लेग में होते हैं टोटल तीन कंपार्टमेंट। तीन कौन से? एक होगा हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होगा हमारा लेटरल कंपार्टमेंट और एक होगा हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, तो देखिए, एक हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट बोल दीजिए और एक बोल दीजिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, तो लेग के ये तीन कंपार्टमेंट हो गए। ओके, अब देखिए, जो ये लेग जो सप्लाई करती है कौन सी? कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, जो हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, CPN कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है ओनली फॉर एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स को। ओके, मतलब इन दोनों को सप्लाई करती है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं। तो देखिए, इसके अंदर आएगी टोटल पांच मसल्स। पांच मसल्स कौन सी? सबसे पहले आएगी हमारी टीबियलिस एंटीरियर, सेकेंड आएगी एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस। देखिए, एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ओके, जो लेग का एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है वो होता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो थर्ड आएगी हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फोर्थ आएगी पेरोनियस टर्टियस और फिफ्थ आएगी हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ओके, तो देखिए, हमने यहाँ पांच मसल्स के नाम लिखे हैं। सबसे पहली है हमारी टीबियलिस एंटीरियर, सेकंड एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, नंबर थर्ड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, नंबर फोर्थ इज पेरोनियस टर्टियस एंड नंबर फिफ्थ इज एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ओके, तो देखिए, पांच मसल्स तो हो गई एंटीरियर कंपार्टमेंट की, और लेटरल कंपार्टमेंट की कितनी मसल्स होगी? इसकी होगी हमारी टोटल दो मसल्स, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ओके, तो देखिए, दो मसल्स हो गई हमारी लेटरल कंपार्टमेंट की। ओके, तो देखिए, पांच और दो सात, जो कॉमन पेरोनियल नर्व CPN कॉमन पेरोनियल नर्व है, इसकी टोटल सात मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं। मतलब ये सात मसल्स को सप्लाई करती हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं सात को करती है तो कौन से को कौन सी करती है। मतलब क्या कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है इसके दो पार्ट होते हैं। ओके, मतलब आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है इसका सुपरफिशियल पार्ट और एक होता है इसका डीप पार्ट। ओके, मतलब सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। तो सुपरफिशियल किसको करेगी और डीप किसको करेगी? तो देखिए, कंपार्टमेंट के हिसाब से है, जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है ना, पूरे लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई कौन करती है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ओके, लेटरल कंपार्टमेंट सप्लाई कौन करेगी? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। जबकि जो हमारा होगा एंटीरियर कंपार्टमेंट, पूरे के पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? इसको सप्लाई करेगी हमारी डीप पेरोनियल नर्व। ओके, तो देखिए, हमारा ये भी क्लियर हो गया कि कॉमन पेरोनियल नर्व की जो दो ब्रांच होती है, सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल करेगी दो मसल्स को और डीप करेगी पांच मसल्स को, या फिर सुपरफिशियल करेगी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को और डीप करेगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। ओके, तो देखिए, अगर आपको ये इतना आता है तो आपके लिए कॉमन पेरोनियल नर्व को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं, हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि कॉमन पेरोनियल नर्व को कैसे ड्रॉ किया जाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बनाई ये कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, नीचे की तरफ डिसेंड हुई और इसके बाद इसने यहाँ पे दो पार्ट दे दिए। ये हो गया इसका सुपरफिशियल पार्ट और ये एक हो गया इसका डीप पार्ट। ओके, तो देखिए, दिस इज कॉमन पेरोनियल, दिस इज सुपरफिशियल पार्ट एंड दिस इज डीप पार्ट। ओके, उसके बाद देखिए, इसके पार्टीशन करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डॉट 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 कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक डॉट 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 यहाँ कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज डॉट 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 डॉट। ओके, तो देखिए, अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। ओके,
तो देखिए जो ये वाला पार्ट बोल रहे हैं, दिस इज पॉपलिटियल फोसा, ओके। दिस इज पॉपलिटियल फोसा, ओके। मतलब जो ये नर्व है कॉमन पेरिनियल नर्व, ये कहाँ पे है? पॉपलिटियल फोसा के अंदर। आपको पता होगा इन पॉपलिटियल फोसा सियाटिक नर्व दो पार्ट में डिवाइड होती है। दो पार्ट कौन से? एक होगा इसका कॉमन पेरिनियल पार्ट और एक होगा इसका टीबियल पार्ट। मतलब एक होगी कॉमन पेरिनियल नर्व और एक होगी डीप नर्व, ओके। उसके बाद इसके नीचे जस्ट क्या आएगा? इसके नीचे जस्ट आएगा हमारा लेग। तो देखिए ये वाला पार्ट पूरा क्या है? ये पूरा पार्ट है लेग का। उसके बाद लेग के नीचे क्या आएगा? फुट, ओके। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट पूरा क्या है? दिस इज फुट है, ओके। फुट है तो यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और यहाँ से थोड़ी ब्रांचेस निकाल देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिस ने दो ब्रांच, ओके। तो ये हो गई दो ब्रांच, ओके। उसके अलावा देखिए ये क्या बताई थी हमने, दिस इज, ओके। ये वाली है हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ओके। ये क्या है? दिस इज सुपरफिशियल, दिस इज सुपरफिशियल ब्रांच और ये होगी इसकी डीप ब्रांच, ओके। दिस इज डीप ब्रांच, या इसे बोल दीजिए डीप पेरोनियल नर्व, ओके। दिस इज डीप पेरोनियल नर्व और ये वाली क्या होगी? दिस इज सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ओके। तो ये हो गई हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ओके। तो देखिए ये हो गई। उसके बाद देखिए जो हमने बोला था डीप पेरिनियल नर्व किनको सप्लाई करती है? डीप करती है टोटल 5 मसल्स को। देखिए यहां बोला था ना हमने डीप करती है 5 को और सुपरफिशियल करती है 2 को। तो देखिए डीप 5 को करती है तो हमें यहाँ 5 तार निकालने पड़ेंगे, एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार। देखिए चार तार तो है लेग के लिए और पांचवा तार किसके लिए? देखिए पांचवा तार हमने यहाँ बना रखा है, पांचवा तार है फुट के लिए। अब देखते हैं इनमें कौन सी मसल्स क्या है। ये है टीबियलिस एंटीरियर, ओके। ये क्या है? एक्सटेंसर है, सॉरी एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस। ये क्या है? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये क्या है? पेरोनियस टर्टियस। और ये क्या है? एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। देखिए ये पांचों नाम हमने कहाँ से लिखे हैं? ये पांचों नाम हमने लिखे हैं यहाँ से, देखिए टी ए ई एच ए, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पी टी पेरोनियस टर्टियस और ई डी बी। ये सारे के सारे नाम यहाँ लिखे हैं, ओके। उसी तरह से दो नाम है ना, पी टी और सॉरी पी एल और पी बी, इनको कहाँ लिखेंगे? इनको यहाँ लिखेंगे हम सुपरफिशियल में, ओके। तो देखिए इसके होंगे दो तार, 1 एंड 2। ये दो तार किसके लिए होंगे? एक होगा पेरोनियस लॉन्गस के लिए, एक होगा पेरोनियस ब्रेविस के लिए, ओके। तो देखिए ये भी हो गया क्लियर अपना। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी थोड़ी आर्टिकुलर ब्रांच पे। आर्टिकुलर ब्रांच मतलब जो कि जॉइंट्स को देती है। तो देखिए इससे यहाँ पे क्या होगा, लेग और फुट के बीच एंकल जॉइंट होगा ना। तो देखिए इससे एक तार निकला और ये तार किसके लिए निकला? जो ये वाला तार है ये निकला हमारा एंकल जॉइंट के लिए, ओके। एंकल जॉइंट के लिए, ओके। तो देखिए इससे एक तार हमने और निकाल दिया, ओके। इसके बाद देखिए जो एक हमने यहाँ पे एंड कर रखा है तो ये किसको सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है हमारे, देखिए जो ये, तो मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, आपको पैर में जाना है। तो देखिए जो ग्रेट टो और उसके पास्ट वाला टो होता है, ओके। देखिए पैर के सारी उंगलियों को टो बोलते हैं, ओके। पैर की सारी उंगलियों को टो बोलेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसे बोलेंगे ग्रेट टो, ओके। तो देखिए जो ग्रेट टो है और उसके जस्ट पास की टो है, उन दोनों के बीच जो ये पार्ट है, यहाँ पे सप्लाई करती है कौन सी नर्व? डीप पेरोनियल नर्व, ओके। तो देखिए मैं यहाँ वही लिखूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्किन ऑफ, स्किन ऑफ क्लेफ्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, ओके। मतलब वही कि जो जो ग्रेट टो है, फर्स्ट टो है और सेकेंड टो है, उनके बीच की जो स्किन है इसको सप्लाई कौन करती है? इसको सप्लाई करती है हमारी डीप पेरोनियल नर्व, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने कुछ ब्रांचेस छोड़ रखी है, ये किसके लिए होगी? ये भी होगी इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस। देखिए हमने बोला था ना इसकी 5 तो ये और 2 ये, ओनली इतनी ही इसकी होगी कौन सी ब्रांचेज? ये सारी होगी इसकी मस्कुलर ब्रांचेज और सारी क्यूटेनियस होगी या आर्टिकुलर होगी। तो ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ
स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ फुट, ओके स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ फुट को ये सप्लाई करती है, ओके okay? तो देखिए नीचे का पूरा पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, ओके okay? इसके अलावा एक तार यहाँ से निकलता है, अब यहाँ से तार निकला तो ये भी देगी क्यूटेनियस सप्लाई, क्यूटेनियस सप्लाई किसको, लेग को, ओके okay? देखिए आपको जहां पे भी पेरोनियल नजर आता है, पेरोनियल शब्द लिखा मिले मतलब समझना फिबुला, ओके okay? क्या समझना है आपको इसका मतलब, फिबुला, ओके मतलब फिबुला से रिलेटेड कोई चीज है, और फिबुला कहाँ होती है, फिबुला होती है हमारे लेटरली, ओके फिबुला होती है हमारे लेटरली, ओके लेटरल साइड होती है ना, तो देखिए जो ये क्यूटेनियस नर्व होगी ये किसके लिए होगी, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, ओके तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, ये तार किसके लिए होगा, ये वाला तार होगा स्किन ऑफ लेटरल साइड, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, ओके तो ये तार भी हो गया देख, ओके तो देखिए हमने लेग की और फुट की सारी ब्रांचेज पढ़ ली, सारी की सारी ब्रांचेज कौन सी हमने पढ़ी इसकी, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात तो पढ़ी हमारी मस्कुलर ब्रांचेज, उसके अलावा हमने पढ़ी एक दो तीन, तीन पढ़ी इसकी क्यूटेनियस ब्रांच, और एक पढ़ी हमने इसकी आर्टिकुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच मतलब जॉइंट को जा रही है, हो जॉइंट को जा रही है, और कौन से जॉइंट को जा रही है, एंकल जॉइंट को, ओके उसके बाद देखिए हमने थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन पूरा खाली कर रखा है, तो ये किसके लिए है, तो देखिए बेसिकली इस पे आते हैं हम, तो देखिए इससे हम देखते हैं कि कुछ ब्रांचेज निकलती है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रांच निकलेगी ये वाली, दिस इज द सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ओके एक ब्रांच निकलेगी ये वाली, दिस इज द लेटरल सूरल ब्रांच, और यहां से बहुत सारी माइन्यूट ब्रांचेज निकलती है, और एक निकलती है थोड़ी बड़ी वाली, ओके तो दिस इज आर्टिकुलर, ये भी कौन सी है, आर्टिकुलर है, ओके अब देखते हैं, देखिए ये ब्रांचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करनी पड़ेगी, ओके तो देखिए इनमें से कौन सी ब्रांच का नाम क्या है, तो देखिए ये सबसे ऊपर वाली है, दिस इज लेटरल लेटरल सूरल नर्व, ओके दिस इज लेटरल सूरल नर्व, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेटरल सूरल नर्व इज द ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, उसके बाद देखिए जो ये नीचे वाली ब्रांच है ये क्या है, दिस इज ए आर्टिकुलर ब्रांच, और आर्टिकुलर ब्रांच कौन सी, तो देखिए ये लेग है और ये है पोपलिटल फोसा, ओके और हमने क्या बोला था, पेरोनियल मतलब क्या समझना है, हमें समझना है फिबुला, तो देखिए जो ये आर्टिकुलर ब्रांच होगी ये फिबुला से रिलेटेड होगी, और कौन सी होगी, सुपीरियर होगी ना, लेग के सबसे टॉप पे है, तो दिस इज सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर टीबियो टीबियो फिबुलर जॉइंट, ओके सॉरी सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, ओके तो ये आर्टिकुलर ब्रांच किसकी होगी, ये आर्टिकुलर ब्रांच होगी हमारी सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट के लिए, ओके उसके बाद देखिए एक ब्रांच ये वाली है, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है हमारा सॉरी यहाँ पे हम दूसरे ब्रांच लिख रहे हैं, दिस इज सूरल सूरल कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग, ओके दिस इज सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ओके ये कौन सी है, सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, देखिए सूरल ब्रांच तो किसकी है, सूरल ब्रांच है टीबियल नर्व की, सूरल ब्रांच किसकी होती है, टीबियल नर्व की, जबकि सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच किसकी, सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच किससे निकलती है, ये निकलती है कॉमन पेरोनियल नर्व से, ओके और देखिए जो हमने यहाँ पे ये छोड़ा था बहुत सी माइन्यूट कुछ एक तार निकलते हैं बहुत सारे, इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हमारा जेनिकुलर ब्रांचेज, ओके जेनिक्यूलर ब्रांच, ओके ये क्या है, सारी की सारी जेनिकुलर ब्रांच क्यों, पोपलिटल फोसा में होती है ना, जेनिकुलर एनास्मोसिस, पोपलिटल फोसा में जो पोपलिटल आर्टरी होती है वह सारी जेनिकुलर आर्टरी देती है, तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे होगी जेनिकुलर ब्रांच, लेकिन ये क्या है, ये है नर्व, ओके देखिए दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व की, कॉमन पेरोनियल नर्व को हम कैसे ड्रॉ करें, तो देखिए हमने पोपलिटल में टोटल कितनी ब्रांच निकाली, चार ब्रांच निकाली, चार कौन सी, एक निकाली सूरल कम्युनिकेटिंग, एक निकाली लेटरल सूरल, और एक निकाली
सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट। ओके, उसके अलावा लास्ट एंड फाइनल जो चौथी ब्रांच है वो कौन सी है, वो है जेनिकुलर ब्रांच। ओके, जेनिकुलर ब्रांच क्यों, क्योंकि जो पोपलिटल फोसा के अंदर पोपलिटल आर्टरी होती है, मतलब जेनिकुलर वर्ड समझ में आए ना, जहां पे भी जेनिकुलर शब्द मिले आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, पोपलिटल फोसा की। ओके, जेनिकुलर अनास्मोसिस हो गया, जेनिकुलर आर्टरीज हो गई, सब किसके रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, सारे के सारे रिलेटेड है पोपलिटियल फोसा से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व।